नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज के वीडियो में हम जानेंगे एक नए एम्प्लॉयमेंट नोटिस के बारे में, जो कि कैंटोनमेंट बोर्ड बेलगाम कर्नाटका के द्वारा जारी किया गया है। और इस कैंटोनमेंट बोर्ड के जो ऑफलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की गई हैं विभिन्न ट्रेड्स के लिए, और विभिन्न ट्रेड्स में कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हैं उनके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। और चलिए आज की वीडियो को देखते हैं और एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पद विज्ञापित किए गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो ये एप्लीकेशन इनवाइट की गई है ऑफलाइन भर्ती है, और आपने ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही भरना है। और ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट है जो कैंटोनमेंट बोर्ड बेलगाम की, https://belgaum.cant.gov.in/recruitment की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाएं और वहां से आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर लें। और जो इस एप्लीकेशन की अंतिम तारीख है जमा करवाने की, फॉर्म जमा करवाने की, 19/3/2021 तक आप अपना फॉर्म अवश्य कैंटोनमेंट बोर्ड बेलगाम के कार्यालय में भेज दें। सबसे पहले आपको बता दें कि कौन सी पोस्ट निकली है। सबसे पहली पोस्ट है चौकीदार की, एक पोस्ट निकली है और ये ओबीसी श्रेणी के लिए रिजर्व है। और अपर एज लिमिट की बात करें, 28 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और जो इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 7th स्टैंडर्ड पास, यानी कि आपकी 7वीं कक्षा पास कर रखी होनी चाहिए। और पे स्केल की बात करें, 17,000 से लेकर 28,950 इसका पे स्केल रहेगा। इसके बाद सफाई वाला के कुल 8 पद विज्ञापित किए गए हैं, और इन 8 पदों में एक एसटी श्रेणी के लिए, 4 ओबीसी के लिए और जनरल श्रेणी के लिए 3 जो पद हैं वो विज्ञापित किए गए हैं। और एज लिमिट की बात करें, एसटी के लिए 18 से 30 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, ओबीसी के लिए 18 से 28 वर्ष के बीच के कैंडिडेट, और जनरल श्रेणी के लिए 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और 7th स्टैंडर्ड ही इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है, और 17,000 से लेकर 28,950 इसका पे स्केल रहेगा। इसके बाद वायरमैन की एक वैकेंसी एडवर्टाइज की गई है जो कि जनरल श्रेणी के लिए आरक्षित रखी गई है, और 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10th स्टैंडर्ड इसकी क्वालिफिकेशन है, और 23,500 से लेकर 47,650 रुपये इसका पे स्केल रहेगा, बेसिक पे स्केल। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 4 पर प्राइमरी असिस्टेंट टीचर मराठी मीडियम स्कूल के लिए एक वैकेंसी जो कि एससी श्रेणी के लिए आरक्षित की गई है, और 30 वर्ष के कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और बात करें यहाँ क्वालिफिकेशन की, पीयूसी सेकेंड ईयर सीनियर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, यानी कि बीएड आपने कर रखी होनी चाहिए, और आपके पास टीचर एलिजिबिलिटी टेट का एग्जामिनेशन भी आपने पास कर रखा होना चाहिए, और 25,800 से लेकर 51,400 इसका पे स्केल रहेगा। इसी प्रकार सेकेंड डिवीजन क्लर्क की एक वैकेंसी जो कि जनरल श्रेणी के लिए आरक्षित की गई है, 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। 12th इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है, और 3 साल का डिप्लोमा और डिजायरेबल आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। 21,400 से लेकर 42,000 तक इसका पे स्केल रहेगा। पॉइंट नंबर 6 पर स्टेनोग्राफर की एक वैकेंसी निकाली गई है, और जो कि जनरल श्रेणी के लिए आरक्षित की गई है, और जो इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th स्टैंडर्ड इसकी पास आपने कर रखी होनी चाहिए, और डिप्लोमा आपके पास सेक्रेट प्रैक्टिस का, यानी कि सीनियर शॉर्ट हैंड, सीनियर टाइपिंग इन इंग्लिश और कमर्शियल प्रैक्टिस इशू बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड से आपने पास कर रखा होना चाहिए, और 27,650 से लेकर 52,650 के बीच इसका पे स्केल रहेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको पता चल गई। और इसके बाद भी इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 1 पर दर्शाया गया है कि जो लास्ट डेट एप्लीकेशन आपने जमा करवाने की वो 19/3/2021 है, यानी कि 19 मार्च से पहले पहले आप एप्लीकेशन अपनी जमा करवा सकते हैं। और जमा करवाने का जो एड्रेस बताया गया है वो पॉइंट नंबर 2 पर बताया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैंटोनमेंट बोर्ड बीसी, नंबर 41 खानपुर रोड, कैंप बैंक बेलागवी, 590001 कर्नाटका स्टेट के पते पर आप रजिस्टर्ड डाक या बाय पोस्ट स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। इसी प्रकार जो इस एडवर्टाइजमेंट के जो अन्य भाग हैं वो आप इससे थॉरली रीड कर सकते हैं। और इसके बाद आपको बता दें, जो ऑफलाइन जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना है उसके साथ आपने फीस के रूप में एक डिमांड ड्राफ्ट, 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैंटोनमेंट बोर्ड बेलगाम की फेवर में आपने बनवाना है। ये जनरल श्रेणी और ओबीसी श्रेणी के कैंडिडेट्स को ही पे करना है। जो कैंडिडेट एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप
से संबंध रखते हैं और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई प्रोसेसिंग फीस आपने पे नहीं करनी है, यानी कि सिर्फ जनरल श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें ही 300 रुपये डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आपने फीस के रूप में पे करने होंगे। इस प्रकार इस एडवर्टाइजमेंट को आप थॉरली पढ़ लें और बाद में आप ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकते हैं। ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो इस ब्लैंक कॉलम में आप लिखें। उसके बाद एक फोटो आपने रिसेंट जो आपने आपकी फोटोग्राफ है वो आपने पेस्ट करनी है। उसके बाद टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैंटोनमेंट बोर्ड बेलगावी कर्नाटका के एड्रेस पर आप नीचे फर्स्ट कॉलम में आप अपना नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द एप्लीकेंट इन ब्लॉक लेटर लिखेंगे। दूसरे कॉलम में आप फादर और हस्बैंड का नेम लिखेंगे। तीसरे कॉलम में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और चौथे कॉलम में आप अपनी जो आयु है वो 19 मार्च 2021 को, आप कितने वर्ष के हैं, कितने महीने के हैं और कितने दिन के हैं, 4 नंबर कॉलम में आप ये बताएंगे। पांचवें कॉलम में आप अपनी कैटेगरी का विवरण देंगे, आप जनरल श्रेणी से हैं, ओबीसी से हैं, एससी या एसटी या यूआर श्रेणी से संबंध रखते हैं, इसका ब्यौरा देंगे। पॉइंट नंबर 6 पर आप अपना सेक्स मेल या फीमेल बताएंगे। पॉइंट नंबर 7 पर आप नेशनलिटी इंडियन लिखेंगे। पॉइंट नंबर 8 पर अपना प्रेजेंट एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन यानी कि डाक का आप अपना पता लिखेंगे, जिस पते पर आपको डाक के द्वारा एप्लीकेशन या जो आपका बुलावा पत्र है या इसके बाद का प्रोसेस है वो आपको मिल सके। 9वें पॉइंट पर आप एक्सपीरियंस की डिटेल देंगे, यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है वो उसकी डिटेल देंगे। पॉइंट नंबर 10 पर आप अपनी एजुकेशन का ब्यौरा देंगे। पॉइंट नंबर 11 पर आप प्रोसेसिंग फीस यानी बैंक ड्राफ्ट का नंबर लिखेंगे, जिस दिन आपने बैंक ड्राफ्ट इशू करवाया है वो डेट मेंशन करेंगे, और जो आपने जिस बैंक से आपने अपना बैंक का जो डिमांड ड्राफ्ट है वो इशू कराया उस बैंक का आप नाम लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम में इसके नीचे एक डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन को पढ़ते हुए सिग्नेचर करेंगे, एप्लीकेंट के द्वारा होंगे, और अपना प्लेस लिखेंगे जिस प्लेस से आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको इस एडवर्टाइजमेंट से सारा कंटेंट इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। यदि फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट छोड़ सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इस पूरी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपको इस प्रकार के जो जॉब के नए नए नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलते रहें। और इस वीडियो से संबंधित भी यदि आपके पास कोई कमेंट है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां अपने कमेंट छोड़ें, हम जल्द से जल्द उन कमेंट्स का या उनकी आपकी क्वेरी का जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देने का प्रयत्न करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।